कि मोदी अमित शाह हजारों करोड़ रुपया लिए हैं, इनको गिरफ्तार करो। ये जितने भी आप ईडी देख रहे हैं ना, ये उगाही गैंग है कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल के अंदर क्यों लाया गया? सरे आम लोकतंत्र की हत्या है और ने ईडी का सहारा लिया है, अब ईडी का सहारा क्यों ले रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के तिहाड़ जेल गेट नंबर 1 के पास और आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर ले जाया गया है, इसलिए यहाँ पर कार्यकर्ता सिंपैथी के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। और क्यों जमा हुए? हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल के अंदर क्यों लाया गया? एक करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग के गवाही में एक मुख्यमंत्री को भीतर, तो मैं कहता हूं कि मोदी अमित शाह हजारों करोड़ रुपया लिए हैं, इनको गिरफ्तार करो, FIR दर्ज करो और गिरफ्तार करो। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज़्यादा पैसा अमित शाह लिए हैं, प्रधानमंत्री लिए हैं, इनको कौन सा गिरफ्तार करेगा? इंटरनेशनल कानून आएगा क्या इनको गिरफ्तार करने के लिए? जो हम FIR कहाँ दर्ज करें आप बताएं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कहाँ मैं दर्ज करूँ? मुख्यमंत्री के खिलाफ आप प्रधानमंत्री थे तो अंदर कर दिया तिहाड़ के अंदर, इनके खिलाफ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ न्याय मिलेगा? जो कट्टर ईमानदार बिजली मुफ्त दे रही है, पानी मुफ्त दे रही है, शिक्षा मुफ्त दे रही है, स्वास्थ्य मुफ्त दे रही है, क्या ये गुनाह कर रही है? आप बता दें गुनाह कर रही है तो हमको भी डाल दीजिए जेल, डाल दीजिए जेल। तानाशाह हिटलर शाही शासक बैठ गया गद्दी पर, भारत के लोग जान जाएंगे कि भारत लोकतंत्र नहीं है, यहाँ जिनपिंग जैसे लोग बैठ गए हैं सत्ता में। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी कहाँ कर रहे हैं, कोर्ट कर रही है जो कर रही है। मोदी जी कौन सा केस के अंदर लाए हैं इनको? मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स पकड़ाया है अरविंद केजरीवाल के यहाँ, ड्रग्स पकड़ाया है। गुजरात में हजारों किलो ड्रग्स पकड़ा रहा है, मीडिया में कोई न्यूज नहीं आ रहा है। हजारों गांव के गांव में ड्रग्स बिक रहे हैं, कितने लोग को पकड़ कर तिहाड़ जेल में डाल रहे हैं? आज जल्द निकल जाइए रोड पर देखिए कितने लोग स्मैक पीपी के सो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी स्मैक पी के मर रहे हैं। किसको चिंता है स्मैक कहां से आ रही है, स्मैक कौन सप्लाई कर रहा है? अच्छा, 15 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देश में जा रहा है, 15 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं उनकी सोच के नहीं। अरविंद केजरीवाल हर गाँव में पैदा ले लिया है, मोदी जी ये जान ले, हर गाँव में अरविंद केजरीवाल पैदा ले लिया है। अच्छा, अभी हर में अरविंद केजरीवाल पैदा ले लिया है, नहीं गिरफ्तार कर पाइएगा, नहीं तिहाड़ का अंदर बंद कर पाइएगा। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? ये इनकी राजनीति के अंतिम घड़ी है और लास्ट घड़ी है। जिस तरह इंसान के, मनुष्य के होता है कि काल मनुष्य पे छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो इनकी राजनीति खत्म आज से ही हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो रही है। क्योंकि जिस तरह विपक्षी नेताओं को एक एक करके ये जेल में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके डर सता रही है और बिल्कुल नाजायज तरीके से ईडी और CBI के अपने दोनों इशारे पे, दोनों तोते मैने को इशारे दे के सीरियल बाई सीरियल हमारे विपक्ष नेताओं को, हमारे आम आदमी पार्टी को के सारे लीडर, सीनियर लीडर्स को जेल में बंद करके, तो किसी को जेल में बंद करके ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने राजनीति खत्म कर रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं। जितना जिसको दबाया जाएगा जंपिंग की तरह उछड़ेंगे और ये इनका राजनीति खत्म करने जा रही है। ये आतिशी दीदी को कर लें, सौरभ भारद्वाज जी को कर लें, पूरे नेताओं को कर लें, कहेंगे कि पूरे आम आदमी पार्टी के हम लोग आए हुए हैं, हम लोग बिहार से आए हुए हैं, हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं, इनके जेल के सलाखों से हम लोग डरेंगे नहीं और न डरने वाले हैं इनके। इसलिए देखिए, इनका ये गिरफ्तार करने का एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो चंदा मांगे हैं, चंदा लिए हैं, उनको उस आवाज़ को दबाना, तो ये दबने वाली नहीं है। देश के तमाम लोग, पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग आज इस तिहाड़ जेल के गेट से हम लोग अपील कर रहे हैं कि पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। इनके CBI और ED से डरने वाले नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है, जितना दबाएंगे उतने एक एक करके जनता, एक एक करके कार्यकर्ता हम लोग उभरेंगे। एक एक केजरीवाल, एक एक लाख केजरीवाल निकलेंगे, एक केजरीवाल जी को अंदर करें, एक सत्येंद्र जी को, मनीष सिसोदिया जी को, आतिशी दीदी, सबको गिरफ्तार कर लें, जितने गिरफ्तार कर लें उतने बढ़िया कर लें, ये अपने राजनीति खत्म कर रहे हैं ये BJP मौजूदा सरकार। लोग यही कहना चाहेंगे कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से।
ये जितने भी आप ईडी देख रहे हैं ना, ये उगाही गैंग है, ये पैसा वसूल के और भाजपा को दे रहा है लोग। ये ईडी जो है ना, ये छापा मार के किस तरह से सब लोगों का उगाही हुआ है, जितनी दवाई कंपनियां हैं उन लोगों, देखिए करोड़ों करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दिया गया। ये दो सीएम को अंदर रखने का क्या मतलब है? जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये लोग, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये लोग अंदर करेंगे। पूरे देश में जितने नेता हैं सभी का फाइल तैयार है। जो वोट प्रभावित करेगा भाजपा का, जिससे थोड़ा भी डर है उसको तुरंत अंदर करना है। अगर वो आ जाता है उनके पार्टी में तो फिर उसके सारे फाइल क्लोज हो जाए उनको, और असंवैधानिक ढंग से अलोकतांत्रिक तरीका से जो वो काम कर रहे हैं। और आप लोग भी जो ये आवाज़ को उनके पास तक पहुंचाने के लिए आए हैं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम लोग कर रहे हैं। केजरीवाल की अच्छाई प्रखर होकर के सामने आ रही है। देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, फाइल पे नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर सारे सिस्टम को भाजपा सरकार ने हाईजेक कर लिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आप जेल के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? नहीं, जेल के बाहर प्रदर्शन नहीं कर रहे। प्रदर्शन हमारा कल से शुरू होगा। आज तो सिंपैथी में जिनको खबर मिली, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, और सिंपैथी में यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। हमारा आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन चलेगा इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। चलता रहेगा। रुको यार, तुम बोलो या हम बोले? अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को समाप्त करने के उद्देश्य से, मोदी जी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी को समाप्त करना है, इस उद्देश्य से वो हमारे नेताओं पर झूठा मुकदमा दायर करके और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उस एक्ट में ये मुकदमा दायर करते हैं। अगर पैसा कहीं हेरा फेरी है तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्टेट बैंक ने सूची जारी किया है, आपने देखा होगा उसमें टॉप जो पैसे लेने वाले लोग हैं, 200 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, वो भाजपा ही हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो वहाँ बनता है ना। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर पर, ऐसे व्यवसायी हैं जिनके घर पर ईडी ने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले छापा मारा था। तो छापा मारने के 3 महीने बाद अगर आप भाजपा के खाते में 200 करोड़ रुपये दे रहे हो तो क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? उसकी जाँच वो क्यों नहीं करवाते हैं और हम पे झूठा मुकदमा लड़ते हैं? अरविंद केजरीवाल ने अपनी बहस करते हुए कल कहा था, आपने देखा था, कि मैं अमित शाह जी पे आरोप लगाता हूँ कि 100 करोड़ रुपए मैंने उनको दिए हैं, आप उनको गिरफ्तार करो, हम पे तो आरोप है जिस आधार पर हमें बंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जब आपने गिरफ्तार किया तो कल होके क्या क्या किया ईडी ने? आपका 5वां मोबाइल कहाँ है? आपका 6ठा मोबाइल कहाँ है? अरे एक चुने गए मुख्यमंत्री को तुम गिरफ्तार कर लेते हो? चलो गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं है, लाकर बताओगे ना कि मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ घोटाला किया है, मैं कहाँ पैसे ले गया, मैं कहाँ, मेरे वहाँ क्या सीज हुआ है? तो पूछते हैं मोबाइल कहाँ है। भाई साहब, मैंने अपने जीवन में 8ठों मोबाइल यूज़ किया होगा जब से मोबाइल आया था नोकिया का। अब हमसे पूछे कोई 7वां मोबाइल कहाँ है, घर में कहाँ पड़ा हुआ है, क्या हुआ? अच्छा, आपको क्या लगता है कि 15 दिन के अंदर में केजरीवाल जी को बेल मिल सकती है क्या? देखिए, मोदी जी ने जो ये मुकदमा कराया है, जिस एक्ट में कराया है, वो जिसको बेल देना चाहते हैं, हमारे खिलाफ जो उनका सरकारी गवाह है, जिसको उन्होंने गवाह खड़ा किया है, उसने कहा खड़े होके कि सर इनको पेट में दर्द है, तो ईडी ने कहा हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बेल दे दो। तो जब मोदी जी की कृपा होगी कि केजरीवाल जी को बेल दे दे रहा है, अब उनकी मंशा पूरी हो गई, उनका टारगेट पूरा हो गया, तो फिर मुझे भी बेल दे देंगे वो। ये तो तानाशाही चल रही है, मैं जो करूंगा सो वो होगा, मैं विपक्ष को समाप्त कर दूंगा, मुझे ओपोजिशन नहीं चाहिए, मुझे लोकतंत्र नहीं चाहिए। वो पुतिन बनना चाहते हैं, रूस बनाना चाहते हैं इंडिया को, और इस बार अगर वो फिर से सत्ता में आ गए तो मैं आपको दर्शकों को आगाह करना चाहूँगा कि फिर देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। अभी जो देख रहे हैं पंजाब और बिहार की टीम दिख रही है आपको, और इसी तरह जगह जगह पर तो पूरा देश एकत्र हो गया है, और दिल्ली पंजाब एक इशारा है, सारा भारत हमारा है। इसी डर से मोदी जी जब अंग्रेज भागने लगा 1857 की सिपाही विद्रोह जब गाय और सुअर की चर्बी की लेकर के हुई, तभी अंग्रेज का भागने का दौर था, तब ने वो अपने जो गुलाम कुछ लोग रखे थे उनको कहा जाओ आधी दौलत तुम्हारी आधी हमारी, और उसके बदौलत 1857 से 1947 तक शासन किया। तो ये 5 बरस का शासन भी कुछ चमचों बेलचों के सहारे किया है, अब उसका अंतिम समय आ गया है। केजरीवाल जी रामराज लाने के लिए चले हैं, रामराज करने के लिए चले हैं, और वो अधूरी मंदिर में राम की जो व्यवस्था किए हैं
वो टूटे हुए घर में रामलला को वो पूरा केजरीवाल ही करेंगे। अब देश की जनता इस सब बातों से छूटने वाली है नहीं, और इस जेल में देने के डर से डरने वाली नहीं है। जेल भरो अभियान तक हम लोग साथ होंगे, और एक केजरीवाल नहीं है, हम सब है केजरीवाल। बोल रहे हैं कि केजरीवाल और भी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है एक एक करके, तो इससे आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, बोले कि बिखर जाएगी। पूरी कानून को तोड़ करके अब मीडिया के सामने खड़े हैं हम, कानून की रक्षा। बोले कि इससे तो बिखर जाएगी पार्टी। कानून वो पहले आगे होकर के तोड़ा है हम लोग, आज हमारा मेंबर बिकाऊ नहीं है। इनको हमने ये दिखा दिया इसी रामलीला मैदान के अंदर जो रैली करके हमने दिखा दिया कि हमारे में से कोई बिकाऊ नहीं है इस पार्टियों से, इंडिया गठबंधन से। ये लोग हमेशा इलेक्शन से पहले ही ये नाटक ड्रामे करते हैं दूसरी पार्टियों को दबाने के लिए, लेकिन हमारे में से कोई दबने वाला नहीं है। अब इसको ये नहीं पता, अभी जो लग रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है, सीधा सीधा डर गए। 24 मई का इलेक्शन है, आपके बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, तो आपसे क्यों डर गए? आपको क्या भय था कि उससे पहले आपने इनकी अरेस्टिंग कराई? कोई दिल्ली का पहाड़ नहीं टूटता, देश का पहाड़ नहीं टूटता कि उनको टाइम से पहले वो करा। आप बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, तो इनको भी मौका दो ना प्रचार का। आप इनका अच्छा डर नहीं है आपकी नज़र में, तो आपने इनको अरेस्ट क्यों किया? क्या सारे नेता दूध के धुले हैं, या अरविंद केजरीवाल जी ने ही ऐसा भ्रष्टाचार किया है कि उनको जेल में बंद करना पड़ गया? आप देखो ना, जागरूक जनता है, जनता जनार्दन है, एमपी के इलेक्शन में सब कुछ खुलासा हो जाएगा। कल की भीड़ को देख के इनको लगा कि कल भीड़ बहुत ज्यादा है, जनता जागरूक हो गई है, तो उनको जेल में बंद कर दिया। ये तो गलत है, सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। और ने ईडी का सहारा लिया है, अब ईडी का सहारा क्यों ले रहे हैं? जब देश में आपकी चल रही है तो आपने ईडी का सहारा क्यों लिया है? तो हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किया, उनका कहना है कि ईडी जो भी कुछ कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के साथ, वो बिल्कुल ही गलत कर रही है। ईडी एक मशीन बन चुकी है केंद्र का, जिसका उपयोग करके वो अपोजिशन पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को अलग अलग तरीके से घेरा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।